हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय विलेज। ये है मेरा विलेज का बेडरूम। काफ़ी दिनों से हम सब विलेज में रह रहे हैं और विलेज का ये बेडरूम है और बेडरूम काफ़ी बड़ा है। बेडरूम में टोटल 3 विंडो हैं। काफ़ी अच्छा एयर सनलाइट आता है तो वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल विलेज का जो बेडरूम है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन बेडरूम में जो कलर है ये बहुत दिनों पहले करवाया था तो आप काफ़ी डल लग रहा है। और ये जो रूम है ना काफ़ी बड़ा है लेकिन इसमें ना कोई डेकोरेशन का आइटम है ना कुछ है, बहुत ही सिंपल सा है। और इस रूम को बहुत दिनों से देख देख के मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, बहुत ही बोर फील कर रही हूँ इस रूम को देख के। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ इस रूम का लुक मैं चेंज करूँगी। ऑब्वियसली एक मेकओवर लुक देने की कोशिश करूँगी, वो भी आप सबको साथ लेकर। और इस रूम में बहुत ही कम सामान है। ये कपड़े रखने का स्टैंड है, उसके बगल में एक शोकेस है जिसके ऊपर एक टीवी है और दोनों विंडो के मिडिल में है ड्रेसिंग टेबल। उसके बगल में एक स्टील का वार्डरोब है, उसके साइड में एक टेबल है जिसके ऊपर विंटर का सारा ब्लैंकेट वगैरह मैं फोल्ड करके रखती हूँ और उसके बगल में एक बेड है। तो यही थोड़ा कुछ सामान है, पर मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगी इस रूम का जो लुक है थोड़ा सा चेंज करने का, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही डल लग रहा है। शायद आप सबको भी बहुत ही डल लग रहा होगा मेरा रूम, और सच में मेरा रूम बहुत ही डल लग रहा है क्योंकि ये जो कलर है वाइट कलर ये आज से 7 साल पहले करवाया था तो कलर एकदम फेड हो चुका है, काफ़ी डल हो चुका है। और देखिए बेड के बगल में ये एक शेल्फ है प्लास्टिक का, ये बेड साइड टेबल की तरह मैं यूज़ करती हूँ। तो मैंने कुछ DIY किया और कुछ सामान मैं कोलकाता से लेकर आया अपने फ्लैट से, कुछ फ्लावर स्टैंड वगैरह जो वहाँ पे मैं यूज़ नहीं करती हूँ वो सामान मैं यहाँ पे लेकर आया। और ये देखिए DIY करके मैं 2 फ्रेम बनाया, फ़ोटो फ्रेम, तो इसमें मैं हाथ से ही कुछ ड्रॉ करूँगी, कुछ फ्लावर लीव्स वगैरह। तो ये सारा कुछ DIY और कुछ सामान कोलकाता से मैंने लेकर आया मेरे फ्लैट में, जो पहले मैं यूज़ करती थी वो सारा डेकोरेशन का सामान। तो ये सारा चीज़ के साथ ही मैं करने वाली हूँ मेरा रूम का लुक चेंज। तो होप आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं विलेज में रह रही हूँ तो विलेज का भी ब्लॉग भी मैं शेयर करती हूँ, तो वो मेरा सेकंड चैनल में जाता है तो ज़रूर देखिएगा। ये देखिए मैंने फ्रेम बना लिया और डबल साइड का जो टेप है उससे मैंने इसको वॉल पे लगा दिया। और ये जो पॉट है मिट्टी का तो इसको मैंने कलर करने के लिए सोचा था, पर मेरा प्रियांशु ही इसमें कलर कर दिया तो कलर मैं ऐसा ही रख दूँगी। ये प्रियांशु के हाथ का कलर है। और उसके साथ साथ ये एक टी शर्ट का बॉक्स है, खाली बॉक्स, तो इसके अंदर कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर मैं लगा रही हूँ। तो ये भी एक DIY है, रेडी होने के बाद आप सबको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो यही कुछ DIY। और उसके साथ साथ मैंने लिया ये एक वॉल स्टिकर जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया जिसका प्राइस है 199, इसे भी मैं शामिल करने वाली हूँ इस डेकोरेशन में। तो ये सारे सामान के साथ मैं अपना जो बेडरूम है उसका लुक चेंज कर लिया, तो चलिए फाइनल लुक आप सबके साथ शेयर करती हूँ। बेड के ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा बेडशीट मैंने फैला दिया। और ये देखिए जो वॉल स्टिकर मैंने लिया था वो बेड के पीछे का जो वॉल है वो एक साइड में मैंने लगाया, पूरा वॉल में मैंने नहीं लगाया क्योंकि पूरा वॉल में अगर लगाती तो ये डार्क कलर के ऊपर है तो रूम थोड़ा छोटा छोटा ऐसा लगता। तो और ये देखिए मेरे हाथ का पेंटिंग, 2 फोटो फ्रेम, और ये है सैनिटाइजर का जो कैप है उस कैप के साथ मैं एक हैंगिंग फ्लावर वाज बनाया। और बेड के पास में जो फ्लावर स्टैंड है वो कोलकाता से मैंने लाया। और बेड के पास दो टेबल हैं, यहाँ पे एक चेयर रख दिया और एक पेन स्टैंड क्योंकि ये अब स्टडी टेबल की तरह यूज़ होगा। और यहाँ पे जो मैंने बनाया टी शर्ट के जो बॉक्स के साथ वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। और ये जो टेबल जो अब मैं जिसको मैंने अब स्टडी टेबल की तरह यूज़ करूँगी उसके ऊपर जो सामान था जो ब्लैंकेट वगैरह वो सारा सामान दूसरे रूम में मैं ट्रांसफ़र कर लिया।
तो देखिए बेड के पीछे का जो वॉल है काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ड्रेसिंग टेबल के साइड में यहाँ पे एक हैंगिंग फ्लावर वाज रख के वहाँ पे येलो एक फ्लावर का ब्रांच लग दिया। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है। और ड्रेसिंग टेबल के दोनों साइड में मैं रियल प्लांट एक एक तरफ एरिका और एक तरफ स्नेक प्लांट रखा, तो रियल प्लांट ऐड करने से लुक बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और मेरे हर मेकओवर में ये आप सबको देखने को मिलेगा क्योंकि मुझे प्लांट बहुत पसंद है। और इस साइड के खिड़की में एक हैंगिंग फ्लावर वाज जिसमें कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर, और यहाँ पे प्रियांशु के कलर किया हुआ पॉट इस शेल्फ के ऊपर रख दिया। तो ओवरऑल मेरा जो बेडरूम है पहले से बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले एकदम डल फील हो रहा था, अब बिल्कुल नहीं, अब थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, पहले जैसा लग रहा था उसके अकॉर्डिंग। तो होप आप सबको भी अच्छा लग रहा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा ये थोड़ा बहुत चेंजेस आप सबको कैसा लगा मेरे बेडरूम का। और नीचे एक कारपेट मैंने फैला दिया, तो ये जो रूम है अब काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स आप सबको कैसा लगा मेरा ये छोटा मोटा कुछ चेंजेस, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अभी मैं विलेज में हूँ, तो यहाँ से डेली ब्लॉग मैं शेयर करती हूँ। मेरा सेकेंड चैनल बंगाली लाइफस्टाइल विद अपूर्णा में चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके मेरा ब्लॉग एंजॉय कर सकते हो। और उस चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुँच जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट और एक मेकओवर वीडियो के साथ मैं आने वाली हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।